हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको पिल्लो कवर बनाना बताएंगे, और वो भी जो मेरे सिलाई के कपड़े बचते हैं उन्हीं से। तो ये मेरे पास दो पीस हैं, तो इन्हीं में से मुझे दो कुशन बनाने हैं, और ये मेरे पास बचा हुआ ब्रॉकेट का फैब्रिक है, इसको मैं बीच में डिजाइन दे के लगाऊँगी। तो सबसे पहले देखिए, आप जितनी भी लेंथ का कुशन बनाना चाहती हैं उस हिसाब से बना सकती हैं। मैं इसकी जो लेंथ है वो 16 इंच रख रही हूँ, और जो चौड़ाई है वो 17 इंच रख रही हूँ। और जो हमारा बाकी का कपड़ा बचेगा उसको हम जो हमारा एक और पीस लगता है बैक में, यानी कि पीछे की साइड, उसके लिए रखेंगे। तो हम यहाँ से इसको कट कर देंगे, ये जो छोटा कम चौड़ा है उसको हम उसके लिए रखेंगे पीछे लगाने के लिए। सेम हम दूसरे पीस में से कट करेंगे, तो देखिए इसी के बराबर नाप के। और ये मेरे जो सिलाई के कपड़े बचते हैं, जो आपको ये दो कट्टे दिख रहे हैं, ये उन्हीं कपड़ों से भरे हुए हैं। तो जो मेरे वेस्ट छोटी छोटी कतरन होती हैं, मैं उन्हीं को यूज़ करके, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, उनको तो हम साइड में रख देंगे। अब जो हमारे ये पीस हैं इनको हम एक बार फिर से इसकी लेंथ और चौड़ाई चेक कर लेते हैं। तो जितनी की 16 और 17 दोनों बराबर हैं। अब इनको हम बीच में से कट कर लेंगे, क्योंकि बीच में मुझे ब्रॉकेट का फैब्रिक लगाना है जो कि ब्लैक कलर का है। आप ऐसे ही कम कपड़े से बहुत ही प्यारे कुशन बना सकती हैं। तो देखिए मैंने इसको इस तरीके से, अब जो मेरा ये ब्रॉकेट का फैब्रिक है इसको देखिए मैं इस तरीके से रखूँगी, लेकिन मुझे चौड़ाई इसमें से कम करनी होगी, क्योंकि चौड़ाई फिर काफ़ी ज़्यादा है, फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा कुशन। तो इसीलिए मैं इसको लंबाई में इसी के बराबर कट कर लूँगी, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा सिलाई के मार्जिन के हिसाब से। और पहले तो मैं इसको यहाँ से बराबर कर लूँगी अच्छे से। मैं इसकी चौड़ाई करीबन 6 या 7 इंच के बराबर ही रखूँगी, बाकी के एक कपड़े को मैं कट कर दूँगी इस तरीके से। और फिर हमारा सिलाई में भी दब जाएगा, तो मैं एक एक डेढ़ डेढ़ इंच को सिलाई में दबा दूँगी, तो फिर मेरा ये पूरा ही जितना मुझे चाहिए उतना आ जाएगा। तो ये मेरे पास दो पीस आ चुके हैं, ये दूसरे पिल्लों के लिए है और ये इस पिल्लों के लिए। तो देखिए इस तरीके से कुछ डिजाइन आएगा। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा बनेगा। तो लेंथ वगैरह सब कुछ बराबर है, आप देख सकते हैं। तो अब जैसे 17 इंच ली थी, तो अब थोड़ी सी लेंथ हमारी बढ़ गई है, 4-5 इंच और बढ़ जाएगी। तो लंबाई में तो ठीक है, लेकिन चौड़ाई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इनको हम साइड में करके इनमें सिलाई करेंगे। तो सिलाई देखिए जैसे मैंने रख के दिखाया था, ऐसे ही मैं इस पीस को भी कट कर लूँगी। जैसे कि बीच में तो हमारा ये वाला पीस आएगा, और साइड में हमारे ये दोनों आएंगे। जैसे रख के दिखाया है सेम उसी तरीके से सिलाई कर लेंगे, और ये दोनों पीस हमारे इसमें लगाने के काम आएंगे। अब हम इनको सिल लेते हैं। तो देखिए मैंने सिलाई कर ली है, आप देख सकती हैं यहाँ से मैंने सिलाई कर ली है। ये देखिए बीच में ये ब्रॉकेट का फैब्रिक है, और लेंथ हमारी अब इसकी 19 इंच बैठ रही है लंबाई इसकी। और देखिए अब इसको जो ये वाला फैब्रिक है इसको ऐसे लगाएंगे सीधा करके, इसको सीधा किया और इसको इस तरीके से। तो हमारे पास ये वाला पीस इतना ही है, तो हम इसमें ये कपड़ा यूज़ करेंगे, ये सेंटून का है और इसमें मिल रहा है, तो इसको मैं नीचे की साइड इसको यूज़ करूँगी। अब यहाँ से इसको हम कट कर देंगे, क्योंकि हमें एक दूसरे कुशन के लिए भी चाहिए। तो इसको चौड़ाई तो बिल्कुल इसी के बराबर करनी है, जितनी भी इसकी एक्स्ट्रा चौड़ाई है उसको मैं यहाँ से कम कर दूँगी। ये कम कर दी है, और इसको अच्छे से बराबर कर लेंगे। लेंथ हमें इससे जो बड़ा वाला कुशन है उससे 5 इंच नीचे रखनी है, मतलब अंदर की साइड आनी चाहिए आपकी 5 इंच इस तरीके से, ताकि जब हम इसमें कुशन डालें तो वो ख़राब मतलब निकले ना। तो इस तरीके से पहले हम इसको थोड़ा थोड़ा फोल्ड करेंगे दोनों पीसों को ही। तो देखिए पहले हम इस पीस को रखेंगे, थोड़ा सा मैं आपको दिखाई देती हूँ मशीन पर भी। और यहाँ से रखने के बाद और इस पर हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। मैंने इसको फोल्ड कर लिया है एक साइड से जैसे दिख रहा है आपको, और इसको हम पूरा ही सिल देंगे। तो देखिए मैंने इसको सिल दिया है। अब हम अपना ये वाला पीस लेंगे, इसको इसके ऊपर रखेंगे उल्टी साइड से, और यहाँ पे ये सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, तो देखिए अब हमने उस साइड सिलाई लगा के, अब बस इसको हम लेंथ में सिल रहे हैं, लेंथ वाइज सिल रहे हैं। और जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है इधर उधर को, उसे हम कट करके बराबर कर लेंगे, क्योंकि हमें एक अच्छा और एकदम बराबर कुशन चाहिए। तो जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको देखिए हम कट कर रहे हैं इस तरीके से। बस करीबन 1-1 इंच कपड़ा रखना है, बाकी का सब कपड़ा कट कर देना है आपको। और जो दूसरा कुशन होगा उसको सेम हमें ऐसे ही बनाना होगा जैसे हम ये वाला बना रहे हैं। अब क्या करेंगे, कोनों पे थोड़े से कट लगा देंगे ताकि इन्हें सीधा करने में आसानी हो। अब देखिए इसको इस तरीके से सीधा कर लेंगे,
तो इसमें आप कैसा भी कुशन डालिए लेकिन निकलेगा नहीं, क्योंकि ये मैंने इस तरीके से बनाया है। इसमें आपको टांके लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम उस 4-5 इंच कपड़ा अंदर रखते हैं तो फिर हमारा कुशन निकलता नहीं है। ये देखिए इस तरीके से हमारा आ जाएगा, और आप चाहें तो यहाँ पे लगा भी सकती हैं टांगे, वैसे निकलेगा नहीं। तो देखिए पन्ने के बाद में कुछ इस तरीके से आ गया है। अब इसके कोने हैं जो थोड़े से, उनको मैं सीजर से अच्छे से निकाल दूँगी इस तरीके से, और फिर दूसरे कुशन को बना के, और जो इसके अंदर हम एक, मेरे पास एक वेस्ट कपड़ा पड़ा है कॉटन का, तो मैं उसी में से इसी के बराबर 2 कवर बना लूँगी, क्योंकि उसके अंदर मुझे जो छोटी छोटी कतरन है वो भरनी है। ये हमारा ऊपर का कवर रहेगा जिसे हम निकाल के कभी भी वॉश कर सकते हैं, और जो अंदर परमानेंट रहेगा उसके लिए हम कोई भी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास हो। तो अब इसको भी सेम ऐसे ही सिल लेंगे जैसे हमने इसको सिला है। देखिए इसको भी ऐसे ही रखेंगे। तो देखिए हमने इसको भी सेम तरीके से, आप देख सकती हैं इसको भी और इसको भी, दोनों को सिल लिया है। ये देखिए बराबर बिल्कुल, और ये मेरे पास एक कॉटन का फैब्रिक पड़ा था तो मैंने उसी के बराबर इनको, इससे करीबन 2 इंच ज़्यादा लिया है, क्योंकि जब हम इसे मोड़ के इनको भरेंगे तो देखिए जो मेरी काम की हैं इसमें, क्योंकि कुछ काम की भी हैं कुछ वेस्ट भी हैं, तो वेस्ट है जो उनको तो मैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा बड़ा कपड़ा नहीं भरते, अगर ज़्यादा बड़ा भरेंगे तो फिर जो हमारी पिल्लो है उसमें बोझ होगा, तो वजन नहीं होना चाहिए आपका। अगर छोटी छोटी कतरन भरते हैं तो वो बिल्कुल ऐसे लगती हैं जैसे फ़ाइबर रुई भरी हो। फाइबर रुई वो होती है जो कुशन में भरी आती है, जो रेडीमेड कुशन होते हैं उनके अंदर फाइबर रुई होती है, वो बहुत ही हल्की होती है। तो हम छोटी छोटी कतरन भरेंगे तो इसमें बिल्कुल भी वजन नहीं होगा, और दोनों कुशन में ऐसे ही। और जो मेरे बड़े बड़े कपड़े हैं, जो काम के कपड़े हैं, उनको मैं देख देख के अलग साइड में निकालती जाऊंगी, क्योंकि मेरा तो सिलाई का काम है, तो इस तरीके से मुझे तो चाहिए ऐसे कपड़े बड़े बड़े, तो मैं बड़े बड़े कपड़ों को एक साइड में निकाल दूंगी, और छोटी छोटी कतरी भर रही हूँ मैं। देखिए जैसे ये भी काम का है तो मैं इसमें से भी ये बड़ा वाला पीस कट कर लूँगी, क्योंकि जब मेरी सीजरिक हो गई, पता नहीं कपड़ों में दब गई है, दिखाई नहीं दे रही। और इस पीस को भी मैं यहाँ से कट कर लूँगी। वही है ना कि कोई ऐसा काम करने के लिए बैठते हैं ना तो कुछ ना कुछ खो जरूर जाता है। फिर मैंने दूसरी वाली ली, बाद में मिल गई थी, इन्हीं के नीचे मिली थी। तो देखिए इसको ऐसे ही हम छोटी छोटी जो हमारी कतरन है उनको हम इसी के अंदर भर देंगे, जो बड़े पीस हैं उनको ही हम निकालेंगे, बाकी के हम छोटे पीस हैं जो उनको पूरा भर देंगे। और इसमें से भी मैं बिल्कुल बराबर करके ही पीस निकाल रही हूँ, क्योंकि जो वेस्ट पीस हैं जैसे कि कोना वगैरह निकला हुआ है तो उनको तो मैं इसी के अंदर भरूँगी, और जो बिल्कुल जो मुझे लगे कि ये मेरी यूज़ में आ जाएगा उन्हीं को मैं इसमें बाहर निकालूँगी। तो ये सब छोटी छोटी हैं। अब हम छोटी छोटी कतरनों से बनाते हैं तो बिल्कुल भी वजन नहीं होता, बहुत ही हल्की और सॉफ्ट होती हैं। अब इनको सभी को मैं भर के इनको भी मैं निकाल लूँगी। ये शायद मेरी कुर्ती के पीस हैं, इन दोनों को भी मैं निकाल दूँगी। ये भी काफ़ी बड़े हैं, और ये भी मेरा कॉटन का फैब्रिक है। ऐसे ही है ना, जब जल्दबाजी में तो सब बड़े छोटे सब भर जाते हैं, लेकिन फिर मैं क्या करती हूँ, जब भी मेरे पास टाइम होता है तब मैं ऐसे ही छोटी छोटी कतरनों को निकाल के और ऐसे ही पिल्लो बना लेती हूँ। गाँव में तो दरी वगैरह बना लेती थी, वहाँ पर मम्मी दरी बना देती थी, लेकिन यहाँ पे तो बहुत मुश्किल है दरी बनाना, और वैसे भी दरी लायक नहीं है। ये कतर बहुत ही छोटी छोटी हैं, जैसे कि वो कटिंग होती है ना छोटी छोटी, इनसे तो दरी भी नहीं बन सकती। तो इनसे तो अच्छा है कि पिल्लो ही बना लो हल्के हल्के से, और इसको भी निकाल दूँगी। बस मैं छोटी छोटी भर रही हूँ। अगर आपके पास बड़े कपड़े हैं तो आप उनकी छोटी छोटी कतरन बना लीजिए बहुत छोटी छोटी कैंची से, और इसको हम अच्छे से सेट करेंगे बराबर करके। पहले इसमें हम टांके लगा लेंगे और फिर हाथ से इसको अच्छे से प्रेस करके और दोनों को बना के हम तैयार कर लेंगे ऐसे ही। तो देखिए हमारी दोनों पिल्लो बन के तैयार हो चुकी हैं, आप देख सकती हैं बैक से भी और फ्रंट से भी। तो देखिए कितनी हल्की हैं, देखने में बहुत ही हल्की लग रही हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।